दोस्तों Xiaomi लॉन्च करने वाला है Mi 11T Pro फोन को इंडिया में 19 जनवरी को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Mi 11 Pro फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, क्या इसमें स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा और ये फ़ोन कितना बढ़िया होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। HDR 10 प्लस सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले होने वाला है। इसका परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो इसमें क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर इसमें दिया जाएगा, जो 5 नैनोमीटर पर बेस्ट है, 5 नैनोमीटर पर चलता है। इसका क्लॉक स्पीड का बात करें तो 2.84 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है। और GPU का बात करें तो एड्रोनो 660 GPU दिया गया है। इसका मेमोरी का बात करें तो इंटरनल स्टोरेज और रैम का वारंट का बात करें तो ये फ़ोन 2 वारंट पे या फिर हो सकता है 3 वारंट पर आ जाए। जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, और एक होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, और एक हो सकता है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आ जाए। लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। इसका UFS का बात करें तो इसमें 3.1 आपको देखने को मिल जाएगा UFS, इसमें काफ़ी अच्छा बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा का बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है, जो प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा 108 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा। जो सेकेंडरी कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। जो टाइट कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा रियर में, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो 16 मेगापिक्सल का F2.5 अपर्चर के साथ में 5x सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाएगा, 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो USB कनेक्टर है इसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर का बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, और फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। बैटरी का बात करें तो इसमें 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा, और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें 17 मिनट में आपका मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा। इसमें काफ़ी अच्छा बढ़िया फास्ट चार्जर होने वाला है। इसका डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बैक में ग्लास पैक देखने को मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन बैक में भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होने वाला है। यह फ़ोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है 19 जनवरी को इंडिया में। तो जब लॉन्च होगा इसका और कुछ स्पेसिफिकेशन आएगा ये कंफर्म होगा तो बता सकते हैं। ये जो भी स्पेसिफिकेशन बताया हूँ ये चाइना में जो वारंट लॉन्च हुआ है इसी स्पेसिफिकेशन बताया हूँ। हो सकता है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाए या फिर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा डिफरेंस होगा। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस 40,000 से लेकर या पे 50,000 तक हो सकता है। ये फ़ोन का प्राइस तो अभी तक आया नहीं है, 19 जनवरी को पता चल जाएगा लॉन्च होने के बाद। तो बस तो यह था कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Xiaomi 11 प्रो फोन का। आपको दोस्तों ये फ़ोन कैसे लगा, क्या आप लोग ये फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी जगह फोन करके बता सकते हैं। तो बस तो वीडियो क्या पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना टिकने के लिए मेरे दिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन रहेगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो क्या पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।